कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर पार्टिसिपेशन. कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा क्यों चल जाता है, क्योंकि हमें लगता है दो लोग चाहिए इसको ठीक करने के लिए. जो सुलह भी कराने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं एक को तो मैं मना लूँगा, लेकिन दूसरे को कौन मनाएगा? दूसरा तो बात करने के लिए रेडी नहीं है. एक तो झुकने के लिए रेडी है, दूसरा तो मिलने के लिए भी रेडी नहीं है. सो वी ऑलवेज कीप वेटिंग कि कब दो लोग मानेंगे, कब दो लोग अग्री होंगे, कब दो लोग अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे, तब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा. हाँ, दोनों को बिठाएंगे साथ तब कराएंगे तो और झगड़ा बढ़ भी सकता है. हो जाता है बाहर कि कई और नहीं बोलेंगे खामखा तुम लोगों ने बिठाया और लड़ाई बढ़ गई. क्योंकि जब बिठाते हैं हम सिर्फ बातें करते हैं दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए. उस दिन आपने ये किया, उस दिन आपने ये किया, सामने वाला कहेगा उस दिन आपने ये किया. अंदर से एनर्जी कौन सी है एक दूसरे के लिए कि यू आर रॉन्ग, मैं इसको इसकी लिस्ट बताऊंगा. एनर्जी इतनी हेवी होगी, पास्ट की बातें सारी निकाली जाएंगी तो गांठे खुल नहीं सकती. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द थॉट कि आज हम सुलह करेंगे, वो लोग अपनी अपनी लिस्ट बना के लाते हैं कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया. हाँ, क्योंकि वो दूसरे को प्रूफ करना चाहते हैं कि जो गलती थी वो किसकी थी, वो आपकी थी. अपोलोजाइज करेगा तो कौन करेगा? आप करेंगे. चेंज होगा अब तो कौन होगा? वो आप होंगे. सो इट इज ऑल अबाउट वॉट यू आर सपोज टू डू. सपोज अभी हम दो जने बैठे हैं एंड हमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है, तो आप मुझे वो सुनाएंगे सारा वॉट आई एम सपोज टू डू, एंड मैं सारा आपको वो सुनाऊंगी वॉट यू आर सपोज टू डू. तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा कुछ करेगा चेंज तो ये कॉन्फ्लिक्ट ठीक होगा. वो कोटेशन क्या कहती है? सर्वाइव. इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर पार्टिसिपेशन. कभी कभी मिलके लोग गले मिलके रो के ठीक भी दोस्ती वापस हो भी जाती है. हो जाती है। लेकिन उसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो बाहर से नहीं किया गया है. उस वक्त के लिए हो गया इमोशनल उसमें. नहीं, आप इंटेंशन भी आपकी इंटेंशन है कि उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं आप. लेकिन रिश्ते को ठीक कहाँ करना है? रिश्ते को ठीक करना है कि मेरे चित पे उनके प्रति जो सोच चलती है. सपोज मैंने नेगेटिव एनर्जी भेजी, आपने नेगेटिव एनर्जी भेजी, ये जो हमारा रिश्ता बना ये थोड़ा सा काला काला हो गया. अभी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, हैवी एनर्जी. फिर हम बैठे, हमने सुलह की, आपस में रिजॉल्व किया, किसी ने बैठकर हमें समझाया, सब किया. हमने कहा चलो सारा चीज़ को मिटाओ, इसको साफ करो. और फिर आपने कहा प्यार से बात की, सब ठीक हो गया. मतलब वो जो काली एनर्जी क्रिएट हुई थी उसको क्या कर दिया? क्लीन कर दिया. एंड रियली इट विल गेट क्लीन्ड दैट टाइम. बट मोमेंटरी भी तो हो सकता है. घर जाके 10-15 दिन के बाद ठीक है यार, उस दिन मिल लिए बस, दोबारा मुझे जाना नहीं. वो भी नहीं. हाँ. वो ब्लैक एनर्जी रिश्ते में क्रिएट कैसे हुई थी? कैसे? आपने कोई ब्लैक थॉट भेजी, मैंने कोई ब्लैक थॉट भेजी, मुझे जो आपके प्रति अच्छा नहीं लगता, पुरानी हर्ट जो मैंने पकड़ के रखी है, तो मैंने भी ब्लैक भेजा, आपने भी ब्लैक भेजा, रिलेशनशिप ब्लैक. अब हमने बैठे उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो हमने क्लीन कर दिया सारा. कहा कि चलो जो पुरानी बात हुई, जो पीछे हुआ छोड़ो, भूल जाओ इसको, आज से नई शुरुआत. इंटेंशन इज वेरी प्योर. तो फिर हम शुरू करते हैं. लेकिन हमने साफ यहाँ किया कि चलो पुरानी बातों को छोड़ दो, यहाँ से डिलीट किया. अगर यहाँ से नहीं डिलीट किया एक ने, तो फिर वहाँ क्या जाना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव एनर्जी. अब सपोज आपने सच्ची में डिलीट कर दिया. मैंने नहीं डिलीट किया. हाँ, तो मेरे यहाँ से वो पुराना फिर से चलना शुरू हो गया. अब मैं बाहर से आपसे ठीक से बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने बैठ कर एफर्ट करके रिजॉल्व किया था. सो आई एम मेकिंग जेन्युइन एफर्ट आउटसाइड टू टॉक प्रॉपरली, टू बिहेव प्रॉपरली. लेकिन मेरा जो दर्द है अंदर, उसको मैंने हील नहीं किया, तो मुझे फिर वो पुरानी बात याद आई. फिर लगा कि नहीं, लेकिन आपने ठीक नहीं किया था मेरे साथ उस टाइम. तो धीरे धीरे मेरे से फिर से वो ब्लैक वाली थॉट्स निकलनी शुरू हो गई. आपने अगर ध्यान नहीं रखा, क्योंकि मेरे से वो ब्लैक थॉट आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी. आपके पास भी एक पास्ट है,
दाखिल है, आपने अभी कोशिश की है कि उसको सबको भूल जाओ। क्या आपकी जो ब्लैक एनर्जी मेरे पास आ रही है, क्या वो मेरे पास्ट को वापस जगा सकती है? एग्जैक्टली, लाइक मोमबत्ती एक बुझी हुई को दूसरी जला देती है। दैट इज व्हाट विल हैपन, क्योंकि है तो सही ना, क्योंकि पास्ट हमारे पास है, हमने डिसीजन लिया है कि पास्ट को छोड़ो, नया शुरू करो, लेकिन पास्ट सोल के ऊपर रिकॉर्डेड है।